हाल ही में एक सीरीज नेटफ्लिक्स से आई है जिसका नाम है ये काली काली आंखें, जिसमें ताहिर राज भसीन, श्वेता त्रिपाठी, आंचल सिंह, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं श्वेता त्रिपाठी के बारे में। जानेंगे उनके बारे में 15 अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहे। नंबर एक, श्वेता त्रिपाठी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। फिल्मों के साथ ही टीवी एड्स और टेलीविजन सीरियल्स में अभिनय करती हैं। नंबर दो, श्वेता त्रिपाठी का जन्म 6 जुलाई 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। नंबर तीन, श्वेता त्रिपाठी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डीपीएस आरकीपुरम से पूरी की है। साथ ही साथ स्कूल में होने वाले सभी फंक्शंस में भी वो हमेशा हिस्सा लेती रही हैं और वह निफ्ट दिल्ली से ग्रेजुएट है। नंबर चार, श्वेता त्रिपाठी को देखते देखते एक्टिंग से ऐसे ही मोहब्बत हो गई। श्वेता के पिता आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और माता जी रिटायर्ड टीचर रह चुकी हैं। श्वेता त्रिपाठी की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम पूजा त्रिपाठी है। नंबर पाँच, श्वेता ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में क्या मस्त है लाइव शो से की थी। उन्होंने इस शो में एक टॉम बॉय लड़की जैनी खान की भूमिका अदा की थी। वह हिंदी सिनेमा में मसान और हराम खोर जैसी हिट फिल्मों में अपने संजीदे अभिनय के लिए जानी जाती है। नंबर छः, श्वेता त्रिपाठी केवल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि मॉडल और फोटोग्राफर भी है, और यहाँ तक कि वो एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी है। नंबर सात, श्वेता त्रिपाठी ने सफलता का शिखर चूमने से पहले फेमिना मैगजीन में फोटो एडिटर के तौर पर भी काम किया है और ट्रेलर एडिटिंग का भी वे काम करती रहती हैं। नंबर आठ, श्वेता को अमेजॉन प्राइम वेब सीरीज मिर्जापुर 2018 में गजगामिनी, गोलू गुप्ता और कॉमेडी ड्रामा फिल्म गॉन केश 2019 में अनाक्षी दास गुप्ता की भूमिका निभाने के लिए खूब सराहना मिली। नंबर नौ, लोकप्रिय वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 1 और 2 में उनकी उपस्थिति के बाद उन्हें मुख्य रूप से प्रसिद्धि मिली। उन्होंने अपने पेशेवर फिल्म करियर की शुरुआत एक प्रोडक्शन असिस्टेंट और एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में की। नंबर 10, श्वेता वोडाफोन, टाटा स्काई और मैकडॉनल्ड्स जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के विज्ञापनों में भी दिखाई दी हैं। नंबर 11, मुंबई जाने से पहले त्रिपाठी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ समय के लिए रुके थे। नंबर 12, आपको शायद ना पता हो लेकिन श्वेता ऑल माइटी प्रोडक्शंस नाम की एक थिएटर कंपनी की भी मालिक है। नंबर 13, श्वेता के पति चैतन्य शर्मा है जो एक एक्टर रैपर है और उनकी शादी की तारीख जून 19, 2018 है। नंबर 14, फिलहाल वो नेटफ्लिक्स की सीरीज ये काली काली आंखें में नजर आ रही है। 2022 में वो फिल्म कंजूस मक्खी चूस में नजर आने वाली है। नंबर 15, अगर बात उनके नेटवर्क की करें तो ये लगभग 8 करोड़ रुपए है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।